तस्वीरां गुरदासपुर के पुराना शाला दियां हैं जिथे कि पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने अज हड़ां की मार हेठ आए पिंडां दा विशेष दौरा किया। इस मौके उन्होंने बटाला के विधायक अमन शेर सिंह कलसी, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल, SSP गुरदासपुर हरीश दायमा, पंजाब हैल्थ सिस्टम कारपोरेशन के चेयरमैन रमन बहल समेत श्री शमशेर सिंह दीनानगर तो आप विधायक भी मौजूद सन। इस मौके कुलदीप सिंह धालीवाल के विधायक शहरी कलसी से जिला प्रशासन अधिकारियों ने ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर हड़ प्रभावित पिंडां दा दौरा किया। इस मौके उन्होंने मकेरिया के पुल का भी जायजा लिया है। इस मौके उन्होंने पुराना शाला ते नेड़ले पिंडां दे वसनीकां नाल गलबात की ते उन्होंने कोलों हड़ां दी स्थिति का जायजा लिया। उधर गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल ने हुण देर रात नूं एक वीडियो जारी करके वड्डी अपडेट दित्ती है। उन्होंने कहा कि पौंग डैम विचों पानी की निकासी 1,40,000 क्यूसिक तो घटा के हुण 1,20,000 क्यूसिक की गई है, जिस नाल दरिया ब्यास विच पानी का पद्धर घट गया है। तुसी बन विच पए तीन पाड़ां विचों दलेलपुर ते भैनी मिलवा दे पाड़ां नूं अज भर लिया गया है, जबकि पिंड जगतपुर टांडा दे पए तीजे पाड़ नूं भरन लई काम जंगी पद्धर ते जारी है। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके भी दावा किया कि सिविल प्रशासन वालों अज करीब 125 तो वध लोगों का रेस्क्यू किया गया है। सारयां नूं मेरी सति श्री अकाल। अज तुहानूं पता है जिवें गुरदासपुर दे विच हड़ दी जिहड़ी स्थिति बनी हुई है, कल साडे काफ़ी पानी जिहड़ा चढ़िया सीगा। अज एक चंगी खबर यह है कि जिहड़ा पौंग डैम तो कल करीब 1,40,000 क्यूसिक पानी छड्या जा रहा सी, वह 20,000 क्यूसिक सरकार वालों घटाया गया, वह 1,20,000 क्यूसिक रह गया है। थोड़ी जी मैनू यह भी क्वेरीज आ रही सी कि आपां पानी एकदम घटा क्यों नहीं रहे, तो मैं सारयां नूं दसना चाहुंदा कि जिहड़ा पौंग डैम का खतरे के निशान नालों घट्टो घट 8-9 फीट ऑलरेडी उत्ते चलता पिया, जे आपां इह पानी ना छड्या ते पिछों होर पानी आ जांदा मीह दा ब्यास दे विच, तो यक सानू 2.5-3 लाख क्यूसिक पानी छड़ना पवेगा, जे नाल सारा गुरदासपुर भी डुब सकदा। सो थोड़ा जिहा मैं सारयां नूं बेनती करदा कि थोड़ा हौसला बनाई रखियो, जिहड़ा इह पानी आ रहा हैगा हौली हौली असीं घटाउण दी पूरी कोशिश करदे पए आं, ते जिहड़ा हड़ दी स्थिति आई हुई है वह अपनी हौली हौली घटनी शुरू होनी है। दूजी जिहड़ी गल सी, लोकी काफ़ी पता करदे पए ने कि जिहड़ी साडी तुसी दे विच पाड़ पिया सी उहदी की स्थिति है। साडे तीन पासे तुसी नूं डैमेज होया सीगा, एक पिंड दलेलपुर जिहड़ा दीनानगर च पैंदा हैगा, एक जगतपुर टांडा जिहड़ा एरिया हैगा साडे गुरदासपुर सब डिवीजन च पैंदा हैगा, एक पैनी मीलवां वाली साइड साडी जिहड़ी तुसी डैमेज हुई सी। तुहानू इह जाण के खुशी होनी है कि पैनी मीलवां वाला जिहड़ा साइड है, दलेलपुर वाली साइड है, वह तुसी असी रिपेयर करवा दिती हैगी, वह पूरी तरह रिपेयर हो चुकी है, उत्तों पानी हुण नहीं लंघदा पिया। जिहड़ा साडा जगतपुर टांडे वाला वड्डा पाड़ हैगा, उत्थों अज रात तो ही जिहड़ा असी सारा उत्थे समान भी पहुंचाता है, उत्थे जाले भी पहुंचाते हैं, कल तो वह जिहड़ा पाड़ हैगा वह 300 फुट वड्डा पाड़ हैगा, वह असी बनना शुरू कर दांगे, तो एक बार जे वह बनिया जाता हैगा तो पानी का फ्लो भी काफ़ी हद तक घट जूगा। सानू अज एक बड़ी दिक्कत आई तुसियां ते, कि काफ़ी जिहड़े लोकी सीगे बाइकां ते गड्डियां ते तुसी दे उत्तों लंघ कर आ रहे सी, जिहदे नाल साडे जिहड़े पिछों ट्रैक्टर ट्राली आ रहे ने मिट्टी लै के टिप्पर आ रहे ने, उन्हां नूं बड़ी टप्पण च दिक्कत आई। मेरी बेनती है सारे साडे साथियों नूं लोकां नूं कि उत्ते जिन्हां दा अपना काम नहीं हैगा, जे आपां हत्थ उत्ते नहीं बिठा सकदे व्हीकल्स लै के बाइकां लै के तुसी काइंडली ना आओ, उहदे नाल अपना जिहड़ा काम है तुसी दा पेड़ दा उही पिछे हो जांदा हैगा। सानू असी कल पुलिस दे नाके भी लावांगे ते कोई उत्थे ना आवे सानू उत्थे काम करन दो प्रशासन नूं, तां कि आपां जिहड़ा पाड़ है इस नूं आपां पूरी तरह कर सकीए। असीं कल ही आर्मी नूं BSF नूं NDRF नूं STRF नूं टीमां नूं बुला लिया सी, लगभग 100 तो ज्यादा जवान साडे कोल नाल पुलिस दे साडे सारे जवान जिहड़े हैगे उह लगे होए ने, करीब 15 बोटां साडे कोल जिहड़ी असीं लै के आए होए ने। कई थावां इदां दी हैगियां, अपने दाऊपुर वाला एरिया हो गया या भट्टियां वाला एरिया हो गया या जगतपुर टांडा वाला भी हो, जिथे बोट नहीं जा पा रही तां असीं ट्रालियां राहीं भी जिहड़े लोकां नूं लैके आ रहे ने। हुण पानी दा स्तर थोड़ा वध गया हैगा ते कई थावां ते नहीं पहुंच पा रहे, पर फिर भी असीं कोशिश कर रहे हां कि जिथे कोई बचाव कारज नहीं हो पांदा उत्थे राशन पानी पहुंचा दिता जावे। अज लगभग 125 दे करीब लोकां नूं असीं रेस्क्यू कीता ते साडे पुराना शाला स्कूल दे विच असीं रिलीफ सेंटर बनाया, उत्थे पहुंचाया उन्हां दे राशन पानी दा, सेहत दा, पशुआं दे सेहत दा भी असीं उत्थे सारा इंतजाम कीता होया। एक होर रिलीफ सेंटर असीं मुकेरियां रोड ते जिहड़ा कल शुरू कर दांगे, ते किसी भी व्यक्ति नूं किसी भी तरह की मदद की लोड़ पैंदी है
साढ़े कंट्रोल रूम नंबर तुम नोट कर लो 1800 180 1852 1800 180 1852 ते दूजा नंबर है 112। इन्हां दोहां नंबरां च किसी दे भी तुसी अपनी कोई शिकायत कोई क्वेरी कोई तुहाडी पुछ पड़ताल तुसी कर सकदे हो ते तुहानूं असीं इमीडिएटली जिहड़ी राहत पहुंचावांगे। गुरदासपुर शहर वालों तो भी मैं काफी क्वेरी आ रही थी, तुहानूं डरन की कोई लोड़ नहीं हैगी, हजे पुराने शाले तक भी जिहड़ा हैगा पानी प्रॉपर नहीं पहुंचा हैगा। तिबड़ी वाले भी मैं फोन कर रहे थे, गुरदासपुर तो भी फोन आ रहे थे, साढ़े अपना शहर बिल्कुल सेफ है, तुहानूं बिल्कुल डरन की लोड़ नहीं हैगी, तुसी जे हेल्प करनी है साडी जरूर करो। कोई मेरे को बड़े एनजीओ से फोन आ रहे थे, असीं हेल्प करना चाहते हैं, सानू राशन पानी तरपालना ये चीज़ों की सानू लोड़ पै सकती हैगी, जे तुसीं करना चाहते हो साडी रैड क्रॉस नूं तुसीं संपर्क करो, रैड क्रॉस के सैकटरी साहब है मिस्टर रजीव, उन्होंने कहो, उन्होंने उसी नोडल अफसर लाया, उन्होंने तक तुसीं आ राहत समगरी पहुंचा सकते हो। तो मेरी एक बार सारे गुरदासपुर वासियों को बेनती है, तुम तगड़े रहे हो, पिछले 3-4 दिन हूँ भी रहना, प्रशासन से सरकार तुहाडे नाल खड़ा है, कोई भी दिक्कत आती है साडे नंबरां नूं सानूं दसो, असीं तुहाडे नाल खड़े। जय हिंद। गुरदासपुर तो सिमरनजीत सिंह दे नाल संदीप कुमार की रिपोर्ट, पंजाब टुडे।